दहेज को लेकर ससुराल जनों ने नवविवाहिता की मारपीट कर लगाई फांसी। पुलिस की सतर्कता से नवविवाहिता की जान बची। 6 माह पहले ही नवविवाहिता की हुई थी शादी। दहेज में बाइक, सोने की चैन और अंगूठी की करते थे मांग। फांसी की खबर गांव के प्रधान ने कोतवाली प्रभारी को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवविवाहिता को तुरंत सीएससी सोर में भर्ती कराया। उपचार के बाद महिला को परिजनों के किया सुपुर्द। पुलिस ने तहरीर पर ससुराल जनों पर किया मुकदमा दर्ज। ससुराली जन फरार, कोतवाली सोरों के गांव भड़पुरा का मामला। तो क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? ये सर मतलब बताते हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ था। हाँ। लड़ाई झगड़ा होने के बाद में मतलब इन लोगों ने मारपीट की है। किसने? जिन्हें घर वालों ने मारपीट करके बताते हैं कि फांसी फांसी पर लटका दी है। इसकी नंद वगैरह ने और वो देवर जेठ ने। हाँ। फिर इतना मैटर मालूम पड़ा था कि फिर गांव से मतलब फोन गया था कि वो खत्म हो चुकी। हाँ। तो वहां से हम लोग आए थे यहाँ। तो क्या मालूम पड़ा? फिर पुलिस वाले मतलब लेके आए सा, हम भड़पुरा पहुंचे। हाँ। वहां से बताया था कि वहां मतलब ले गए अस्पताल। अस्पताल अस्पताल की ना बस एक वो है हॉस्पिटल, नीलम हॉस्पिटल। हाँ। वहां सर हमको मतलब मालूम पड़ा तो वहां हम लोग आ गए। कैसी है? अब तो ठीक है। कैसे बची है वो? किसके द्वारा बचाई गई? तो भाई डॉक्टरों ने बचाई है और पुलिस द्वारा बचाई है। जो बेचारे पुलिस वाले नहीं जाते तो ये बचती भी नहीं। अब क्या चाहते हो आप? अब FIR चाहते हैं, उनके मतलब द्वारा खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।